दोस्तों, गुजरात के कोपरडा घाट में आपका स्वागत है। 48:30 गुजरात मंगल गाड़ी निकली है और हम 370 किलोमीटर पास करके आपने इस घोड़े पे देख सकते हैं आए यहाँ। मैं और मेरा ये फ्रेंड भी है साथ में। गाड़ियों का बहुत बुरा हाल होता है इस घाट में, मैंने नोटिस किया है। और ऐसा कोई सप्ताह गया नहीं क्या एक्सीडेंट ना हो। अभी पुलिस रिकॉर्ड चेक नहीं किया है कि कितने जाने गए इस घाट में, लेकिन बहुत ही डेंजरस घाट है गुजरात का कोपरडा। बिल्कुल गाड़ियाँ 200 250 300 HP की गाड़ियाँ रेंगती हुई चलती है यहाँ, क्या करें अभी। और एक गाड़ी तो आप देख सकते हैं यहाँ से सीधा रात को नीचे गई है यहाँ। कंडीशन कुछ इस तरह है घाट की। आगे चढ़ के ये चढ़ान और तेज़ हो जाएंगी लेलियान को आईशर पास करती हुई। तरीके से ट्रैफिक चलता है गुजरात की गाड़ी आगे की, पीछे हरियाणा आयशर। चालीस 25 टाटा और यहाँ थोड़ा सा आ गया करेक्टर ने। ये जो गाड़ी है टाटा की, पीछे लिखा है जलो मत रिस्क लो। उन्होंने रिस्क ली और खड़े रह गए। गाड़ी ने टेम्परेचर की वजह से दम तोड़ दिया है इस घाट में। इस वजह से लेन अभी सिर्फ एक ही चालू है इस टर्न पे। सिक्योरिटी वॉल सब खत्म हो गई इस घाट की, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सब इस तरीके से गाड़ियाँ चलती है यहाँ। उतरने वाले के लिए ब्रेक पकड़ना ज़रूरी है और चढ़ने वाला चढ़ नहीं पाता, इसी कंडीशन है इस घाट की। डेंजरस टर्न बिल्कुल। इस तरीके से रेंगती हुई गाड़ियाँ और नीचे उतरती जो गाड़ी है, देखिए ब्रेक पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और एक महिंद्रा ब्लाजो ने दम तोड़ दिया है यहाँ, देख सकते हैं रुकी है जगह पे गाड़ी। ये घाट दूसरी तरफ नीचे जाके देखेंगे किस तरीके से टर्न लेता है, देख सकते हैं। खूबसूरत टाटा और ये पासिंग MH16 महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का पासिंग है। और एक नई गाड़ी बिल्कुल टाटा की, न्यू गाड़ी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन जब गाड़ी थोड़ी सी भी पुरानी हो तुरंत पानी फेंक देती है रेडिएटर से। एक गुजरात है एक महाराष्ट्र के सोलापुर पासिंग गाड़ी है। दोनों गाड़ियाँ सुंदर तरीके से आगे बढ़ती हुई, बिल्कुल न्यू गाड़ी है टाटा। शायद ये 10 या 15 दिन की गाड़ी होगी सिर्फ। लाइफ इज वन टाइम ऑफर, यूज इट वेल, बहुत ही खूबसूरत लफ्ज लिखे है। गुजरात के पानोली की गाड़ी और चल रही है गुजरात के कोपरडा घाट में। ये महाराष्ट्र पासिंग महाराष्ट्र के कोने की गाड़ी है।
और ये गुजरात पासिंग टाटा। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी नीचे उतरती हुई अशोक लेलैंड की बनाई भारत बेंच। देखो ओवरटेक किस तरीके से चलता है यहाँ। ये करंट का पासिंग गाड़ी है, लोहे के तार है, लोहे का लोड ऊपर। सुंदर बनाई ये गाड़ी 4825 KA56। खूबसूरत अशोक लेलैंड। इस तरीके से कम स्पीड में चलती है गाड़ी, अर्ध चक्का है। सुंदर तरीके से वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।